अगर किसी राज्य में कोई कीर्तिमान स्थापित होगा रोजगार देने के मामले में, या देश में जो आज सबसे बड़ी समस्या है उसका निदान अगर किसी के पास होगा तो झारखंड सरकार के पास ही होगा। सरकार के द्वारा जो पूर्व में भी जो मैनिफेस्टो में चुनावी एजेंडा ससलेकर जगह जगह पर घोषणा की गई है, तो इस पर अब शुरुआत किया जाना चाहिए। तो ये जो लाखों ट्वीट कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहेंगे थोड़ा धैर्य रखें। एक ट्रेंड चला हुआ है कि नहीं सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों के लिए जो आईटी सेल होता है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें एक इसको ये करता है। इस वक्त हमारे साथ मांडर के विधायक बंधु तिर्की हैं। बंधुदा, आज तो राहुल गांधी का जन्मदिन है, आप लोग मना भी रहे हैं। झारखंड में ट्विटर पर आज युवा एक ट्रेंड करा रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार रोजगार दो, क्या रोजगार के मसले पर सचमुच में आप लोग फेल हो गए, नहीं दे पा रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2020-2021 कोरोना काल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कई एक बार कह चुका है और आज भी उन्होंने कहा है, जो उनके द्वारा घोषणा की गई है वो करेंगे। अभी चूंकि जो परिस्थिति बना था, सारे लोग हम लोग जिस काम में लगे हुए थे, अब हमें लगता है कि इस कामों में अब उसको शुरुआत कर दिया जाएगा और किया भी जाना चाहिए। ये सारे लोग हम लोग भी कुछ समझ रहे हैं, इसलिए जो युवाओं का जो चीज़ें हैं उनकी जो इच्छा है, सरकार के द्वारा जो पूर्व में भी जो मैनिफेस्टो में चुनावी एजेंडा ससलेकर जगह जगह पर घोषणा की गई है, तो इस पर अब शुरुआत किया जाना चाहिए। तो ये जो लाखों ट्वीट कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप अपने तरफ? हम चाहेंगे थोड़ा धैर्य रखें, तो देख लें क्या स्थिति था। आप खुद समझदार हैं, कोरोना काल रहा है, ऐसा नहीं कि चुपचाप कोई नहीं था, सब लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखें। इतना बता अभी के लिए नहीं, समय से मने तो सरकार को ये तय करना, साल नहीं, निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें सामान्य हो जाएगी तो सरकार इस दिशा में काम करेगी, कर रही है। नियुक्ति वर्ष घोषित था और 6 महीना से अधिक बीत गया, ये बिल्कुल सरकार की ये जिम्मेवारी है, थोड़ा सामान्य होने दीजिए इसको। और सरकार मैंने जो आप देख रहे थे कि सचिवालय वगैरह में सारा आपका रोस्टर से आपका बना करके काम हो रहा था, इसलिए हमको लगता है कि सभी लोग को धैर्य रहना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखें, ये काम निश्चित रूप से उनके हित में ही होगा। तो बिल्कुल, ये थे बंधु तिर्की जो कह रहे हैं कि युवा थोड़ा धैर्य रखें और सरकार ने जो कहा है, जिस तरह से नियुक्ति वर्ष घोषित किया है उस पर सरकार जरूर अमल करेगी। इस वक्त हमारे साथ महागामा से कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे हैं। मैडम, आप ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रह रही हैं और सुबह से आज ट्विटर पर एक ही ट्रेंड कर रहा है कि झारखंड सरकार रोजगार दो, तो आपको क्या लग रहा है कि सचमुच में रोजगार की ज़रूरत है और रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यही वजह है कि ट्विटर पर गुहार लगानी पड़ रही है? देखिए, यह सच्चाई है कि झारखंड सरकार को रोज़गार देना चाहिए और झारखंड सरकार ही, अभी जो महागठबंधन की सरकार है जिसके मुखिया हेमंत सोरेन जी हैं, अगर किसी राज्य में कोई कीर्तिमान स्थापित होगा रोजगार देने के मामले में, या देश में जो आज सबसे बड़ी समस्या है उसका निदान अगर किसी के पास होगा तो झारखंड सरकार के पास ही होगा। तमाम ऐसे नीतिगत फैसले गलत करके झारखंड के युवाओं का भविष्य अधर में लटका करके पिछली सरकार डबल इंजन की सरकार गई है, उसको सुधारने का और सही करने का और आने वाले दिनों में रिकॉर्ड संख्या में रोजगार देने का काम झारखंड सरकार करेगी। तो अभी जो ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं लोग, उनको क्या कहना चाहिए? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग के साथ हम लोग खड़े हैं और पिछले कुछ साल आपके बहुत हताशापूर्ण रहे हैं और हमारी सरकार, हम लोग सब मिल करके यह प्रयास कर रहे हैं कि आपको उचित अवसर दिए जाएँ, थोड़ा समय आप लोग झारखंड सरकार को दें, आप लोगों की भी समस्या का निदान होगा। कितना समय बता दीजिए? ये तीसरा फेज अगर नहीं, सेकंड फेज अगर नहीं आता तो मुझे लगता है कई सारे निर्णय हो गए होते, लेकिन यह साल लिया है हम लोगों ने नियुक्ति वर्ष के लिए, इस साल 6 महीना बचा है, उसमें बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। तो बिल्कुल, ये थी विधायक दीपिका पांडे, जिन्होंने कहा कि जो युवा हैं वह 6 महीने इंतजार करें, 6 महीने इस नियुक्ति वर्ष का बचा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ खिजरी के विधायक राजेश कश्यप हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। विधायक जी, आपकी सरकार है झारखंड में, आज ट्विटर पर करीब 2 लाख से अधिक ट्वीट अभी तक हो चुके हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं कि झारखंड सरकार रोजगार दो, क्या आप लोग रोजगार नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, एक चीज़ है, सर्वप्रथम मैं जो भाजपा मानसिकता के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, मैं एक सवाल उनसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 7 साल हो गए, 7 साल हो गए मोदी जी का जो वादा है कहीं 1 इंच भी बढ़ा नहीं। झारखंड सरकार 2 महीना के बाद में कोविड का जो दौर रहा
उसे जूझते रहा और अभी तक जूझ रहा है। लोगों का जीवन बचाना प्राथमिकता है, सेकेंडरी हम लोगों ने जो वादा किया है निश्चित तौर से हम लोग रोजगार लोगों को देंगे। एक ट्रेंड चला हुआ है कि नहीं सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों के लिए जो आईटी सेल होता है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें एक इसको ये करता है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि हर जनतांत्रिक मूल्यों पे और झारखंड का कद, झारखंड की ऊंचाई कैसे बढ़ेगा, सरकार चिंतित है। और निश्चित रहिए अभी 3 साल में सारे लोगों को जो बोल रहे हैं सारे लोगों का मुंह चुप हो जाएगा। अच्छा, आपके कहने का मतलब जो लोग रोजगार मांग रहे हैं वो या तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर आईटी सेल के लोग हैं? नहीं, कुछ ट्रेंड चला हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कुछ लोग गुमराह करते हैं, उस धारा में बहाना चाहते हैं। सारे तमाम लोगों को पता है कि इस जो कोविड के दौर में यहाँ जो बाबू लोग जो थे, हम और आप भी झेले होंगे कि एक फाइल लोग कलम पकड़ना नहीं चाह रहा था। जस्ट कितना दिन हुआ, कम से कम झारखंड सरकार को बधाई देना चाहिए कि इस परिस्थिति में भी झारखंड को संभाल के रखा। किस परिस्थिति में, जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा, आपको जो वेंटिलेटर दिया जा रहा था वो ख़राब पड़ा हुआ था, आपको जब रेमडेसिविर की आवश्यकता थी उसकी व्यवस्था हो रही थी, आपको जब वैक्सीनेशन के लिए 18+ की आवश्यकता थी आप पैसा जमा कर दिए, आपको नहीं आ रहा, ये तमाम चीज़ हैं। तो सर्वप्रथम लक्ष्य है किसी भी इंसान का जीवन बचाना, झारखंड प्रदेश भी वही काम कर रही है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आज के आने वाला बहुत जल्द नौकरियाँ भी आएंगी और लोगों को नौकरियाँ भी देंगे। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in